नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ये बार बार ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या सुपर टेट की वैकेंसी 2023 में आएगा कि नहीं, या 2024 में आएगा, और क्या है सरकार का पूरा प्लान सुपर टेट वैकेंसी देने का, क्या सरकार सुपर टेट वैकेंसी देने का मन बना रही है या नहीं बना रही है। तो आपको एक चीज़ बता दूँ, यूपी में की बात किया जाए तो यूपी की दो सबसे बड़ी वैकेंसी निकलती है। एक है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का, जिसमें बम्पर वैकेंसी निकलता है, और दूसरा है आपका प्राथमिक विद्यालय यानी कि सुपर टेट की वैकेंसी। यही दो वैकेंसी है जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी वैकेंसी है, ठीक। लेकिन आपके जो योगी जी के कैबिनेट के जो फैसला आया था उसमें 62,000 पुलिस की तो बात, पुलिस भर्ती की तो बात की गई है, लेकिन कहीं भी सुपर टेट का जिक्र नहीं किया गया है। यानी कि इन्होंने जुलाई से दिसंबर तक जो इन्होंने अपना कैलेंडर दिया था, एक तरीके से दिया था, जिसमें ये लोग बात कर रहे हैं किसकी, 62,000 पुलिस भर्ती की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जुलाई से दिसंबर के बीच में कोई भी सुपर टेट वैकेंसी देने की बात ये लोग नहीं कर रहे हैं। तो क्या वाकई में सरकार, जो आपकी जो योगी सरकार है, क्या 2023 में सुपर टेट की वैकेंसी देने के मूड में नहीं है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, कोई भी सरकार आपका जो वैकेंसी देती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसका भी लाभ होता है। देखिए, एक बात जान लीजिएगा, सरकार आपको रोजगार देने में इंटरेस्टेड नहीं है। सरकार आप बस ये इस चीज़ में इंटरेस्टेड रहती है कि जो वैकेंसी हम निकालेंगे उसमें हमें आने वाले चुनाव में हमको कितना लाभ मिलेगा। तो आप सभी को पता है कि 2024 में क्या है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, और सरकार बीजेपी सरकार वर्तमान में यूपी में भी किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। और आप सभी को पता है कि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। तो कोई लोकसभा में किसकी सरकार बनेगी, यानी कि संसद में किसका सरकार बनेगा, ये डिसाइड होता है यूपी से, क्योंकि सबसे बड़ा लोकसभा सीट यूपी में ही है, और वर्तमान में यूपी की ही सरकार है। और बीजेपी चाहती है कि लोकसभा इस बार फिर प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ही बने लगातार तीसरी बार। तो इसके लिए सरकार क्या करेगी, कहीं ना कहीं इस चुनाव की वजह से। देखिए, मैं ये वीडियो आप लोग बहुत बार बार यही कहते, सर आप बार बार यही कहते कि वैकेंसी आ रही है, लेकिन नहीं आ रही है। आप भी 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, उसका समीकरण समझिए। जनवरी 2018 में इन्होंने सरकार ने ऑलरेडी 68,500 वैकेंसी दे रखा था, ठीक है, लेकिन इनको ज़रूरत नहीं था कि दिसंबर 2018 में ही इनको 69,000 वैकेंसी देने की, लेकिन इन्होंने दिया। क्यों? क्योंकि इनको लगता था कि अगर हम एक और शिक्षक भर्ती निकाल लेंगे तो हम यूपी के लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत पाएंगे। इसीलिए एक साल के अंदर इन्होंने 2 बड़ी वैकेंसी दी, लेकिन जैसे ही ये लोग चुनाव जीत गए उसके बाद से इन्होंने वैकेंसी नहीं दिया। और वहीं अब आ रहा है फिर 2024 का चुनाव, तो इसी 2024 के चुनाव को देखते हुए आपको सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिल सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कुछ आप पे भी, आप भी घर बैठे ये मत सोचिए ना कि आप लोग घर बैठे रहेंगे और आपको वैकेंसी मिल जाएगा। आपके लिए आपको भी कुछ इसके लिए करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी सरकार ने ये कहा है कि 24 जुलाई तक आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा। किसका? तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का 24 जुलाई तक गठन होने की उम्मीद है। कंफर्म नहीं है कि ये गठित होगा कि नहीं, लेकिन मान लीजिए कि अगर जुलाई तक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाता है तो अगस्त लास्ट तक आपको यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप सभी को पता है कि 2021 में ही लास्ट यूपी टेट हुआ है, 2022 में हुआ नहीं, 2023 अभी चल रहा है, तो पहले यूपी टेट आएगा। यूपी टेट का फॉर्म आपका अगस्त तक देखने को मिल सकता है, अगस्त तक अगर सब कुछ सही रहा तो। अगर जुलाई लास्ट तक अगर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा तो अगस्त लास्ट तक आपको यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक। और इसका एग्ज़ाम दो महीने के बाद यानी कि अक्टूबर तक हो जाएगा, ठीक। अब जैसे ही इसका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद से एक सबसे बड़ी वैकेंसी आपको जो इंतज़ार है सुपर टेट की। तो आखिर ये सरकार क्या चाहती है, कब तक सरकार ये दे सकती है? तो देखिए, यहाँ पे दिया है क्या कि सबसे भारी भरकम होगा नया शिक्षा सेवा चयन, और 24 जुलाई के पहले तक गठन की इसकी उम्मीद जताई जा रही है। तो अगर 24 जुलाई तक यूपी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाता है तो अगस्त लास्ट तक आपको यूपी टेट और अक्टूबर लास्ट तक यूपी टेट का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आखिर आपको सुपर टेट की वैकेंसी कब तक देखने को मिलेगा? तो सरकार आपको सुपर टेट की वैकेंसी तभी देगी जब चुनाव एकदम पास होगा। तो चुनाव जब एकदम पास होगा तो या तो आपको सुपर टेट की वैकेंसी
दिसंबर लास्ट तक या जनवरी तक आपको देखने को मिलेगा, जनवरी तक। अगर क्यों, क्योंकि फरवरी मार्च में आपका चुनाव होना है, तो जनवरी तक आपको सुपर टेट की वैकेंसी देखने को एकदम 100% चांस है, 99% चांस है देखने को मिल सकता है। अगर जनवरी तक आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिला और चुनाव बिना वैकेंसी दिए अगर सरकार दे देती है, तो ये जान लीजिएगा कि इसके बाद से आपको सुपर टेट की वैकेंसी 1-1.5 साल बाद ही देखने को मिलेगा, ठीक है। एक बार मैंने टेलीग्राम पे मैसेज भी किया था आप सभी को कि अगर सुपर टेट की वैकेंसी जनवरी तक नहीं आई तो अगले 1-1.5 साल तक आपको और बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि जनवरी तक सुपर टेट की वैकेंसी आ जाए, इसके लिए आप लोगों को भी प्रयास करना पड़ेगा। घर में बैठ के बस पढ़ने से तैयारी नहीं होता। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर 5 साल से हम इंतजार कर रहे हैं सुपर टेट वैकेंसी का, लेकिन इन 5 सालों में अभी आपका सिलेबस भी तैयार नहीं है, ठीक है। तो अगर सर आप चाहते हैं कि भाई वैकेंसी वाकई में आपको दिसंबर या जनवरी तक देखने को मिल जाए, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो यूपी वांट शिक्षा आयोग, आपको हैशटैग यूपी वांट शिक्षा आयोग करके 16 जुलाई यानी कि कल सुबह 10 बजे से आपको ट्विटर कैंपेन चलाना है। और जितने भी टेट सीटेट पास अभ्यर्थी हैं या जो इस बार का टेट सीटेट दे रहे हैं, वो सभी अभ्यर्थी और खासकर जितने भी यूपी के, कम से कम यूपी में 15 से 20 लाख बच्चे हैं जो टेट और सीटेट पास हैं, तो अगर इस 15 से 20 लाख में से अगर 5 लाख लोग भी इस ट्विटर कैंपेन में भाग ले लेते हैं, तो आपकी वैकेंसी सरकार के कान पे कुछ असर पड़ेगा और आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इस इंसान को आप जानते ही होंगे, ये बंदा ऐसा है ना कि आप लोगों के लिए इको गार्डन में 100 से ज़्यादा दिन तक लगातार अनवरत धरना दिया ये बंदा। और इस दौरान ये कई बार जेल गए। इनका नाम है नीतीश पांडे इनका नाम है, तो इनको आप जानते होंगे। ये बंदा लगातार 100 दिन तक आप लोगों के लिए कोई साथ नहीं दिया। अगर आप में से 10% लोग भी, अगर 15 लाख का 10% या 1% लोग भी इनका साथ दिए होते ना, तो आज यूपी टेट की, आप जो सुपर टेट की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सुपर टेट की कोई ना कोई सूचना आपको सरकार की तरफ से मिल जाता है। लेकिन इस बंदे का 1% लोग भी साथ नहीं दिए, ठीक है। देखिए, हम लोग भी तैयारी किए थे, हमारा भी सुपर टेट में 128 नंबर आया था, 128 नंबर। और हम लोग सिर्फ यह नहीं था कि बस सिर्फ पढ़ाई किए, हम लोग भी बहुत धरना प्रदर्शन किए, बहुत ज़्यादा वो किए, नियुक्ति लेने के लिए धरना प्रदर्शन किए, बहुत सारी चीज़ें करना पड़ा। लेकिन हम लोग भी हार नहीं माने। हम लोग में तो ये भी था कि एग्ज़ाम देने के बाद कुछ कन्फर्म ही नहीं था कि ज्वाइनिंग मिलेगा भी कि नहीं। रोज़ न्यूज़ रहता था कि वैकेंसी रद्द हो जाएगी, ये हो जाएगा, बहुत बड़े पैमाने पे धांधली हुई थी दुनिया भर की चीज़ें, उससे दिमाग परेशान हो जाता। लेकिन हम लोग कभी धैर्य हार नहीं माने और धरना प्रदर्शन, डीएम आवास में ज्ञापन जाके सौंपना, लेटर लिखना, डंडे खाना, मार खाना, ये सभी काम किए। तो आप लोग भी इसके लिए तैयार है। आप लोग सोचते हैं कि धरना प्रदर्शन पर जाएंगे, सरकार हमें डंडे दे देगी, वैकेंसी नहीं देगा, जब तक आप अपनी मांग नहीं उठाएंगे। और यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो आपको धरना प्रदर्शन पे भी नहीं जाना है, बस आपको ट्विटर कैंपेन करना है कल, यानी कल आपको 16 जुलाई को 10 बजे से ट्विटर कैंपेन करना है हैशटैग यूपी वांट शिक्षा आयोग करके। साथ दीजिए इस भाई का, आप लोग साथ दीजिए। ये भाई आप लोग के लिए बहुत कुछ किया है। 101 दिन या उससे ज़्यादा तक अनवरत धरना लखनऊ के इको गार्डन में, वहीं उसी में सोना, वहीं पे खाना, वहीं पे पीना, ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता। ये हम इतना तो हम आपके लिए भी नहीं कर सकते, कोई नहीं करेगा, लेकिन इस बंदे ने आप लोग के लिए किया है। तो देखिए, साथ दीजिए। जब तक आप एक दूसरे का साथ नहीं देंगे ना, आप लोग सोचेंगे कि नहीं, ये हमारा काम नहीं है, ये बीएड वाले करें या बीटीसी वाले करें। अगर बीटीसी या बीएड का विवाद अगर आप अभी भी खेल रहे हैं, तो मान के चले कि आप अभी भी बेरोजगार हैं और आने वाले 2 साल तक भी आप बेरोजगार रहेंगे, ये बात मान लीजिए। इसलिए एक हो जाइए, विवाद मत करिए। आप जब बीटीसी बीएड का फैसला आएगा तब आएगा, लेकिन जहां पे साथ देने की बात आ रही है, जहां पे एक होने की बात आ रही है, वहां पे एक हो जाइए। क्योंकि वैकेंसी देखिए, चाहे बीटीसी शामिल हो चाहे बीएड शामिल हो, सिलेक्शन जॉब उसी को मिलेगा जो रियल में पढ़ाई कर रहा है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि सिर्फ बीटीसी ही एलिजिबल हो जाएगा, बीएड बाहर हो जाता मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये आपकी भूल है। बीटीसी वाले भी 10 लाख बच्चे पास हैं, बीटीसी करके भी बच्चे यूपी टेट सीटेट पास करके 10 लाख बच्चे बैठे हैं। तो 10 लाख बच्चे में वैकेंसी कितनी आएगी, तो मैक्सिमम 60,000 या 70,000 वैकेंसी आएगी। तो इन्हीं 60,000 और 70,000 बच्चों का सिलेक्शन होना है, उन 10 लाख के 10 लाख बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। तो रियल में चाहे कोई भी शामिल हो जाए, चाहे बीटीसी शामिल हो चाहे बीएड शामिल हो, सिलेक्शन उसी का होगा जो पढ़ाई
पढ़ाई कर रहा है, जो लगातार पढ़ाई कर रहा है। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि अभी भी 90% लोग, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं 5 साल से, 2017 से BTC BEd करके बैठे हैं, उनका मैं कह दूं कि उनका, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उनका 60% सिलेबस भी कवर नहीं है, 60% सिलेबस भी इन 5 सालों में उन्होंने कवर नहीं किया है। तो अगर अचानक वैकेंसी आ भी जाती है ना, तो आप लोग के हाथ पैर फूल जाएंगे। तो इसलिए एक दूसरे का साथ दीजिए और अपनी पढ़ाई भी करते रहिए। क्यों? क्योंकि जब भी वैकेंसी आए आप अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकें, क्योंकि सुपर टेट का सिलेबस बहुत लंबा है। अगर आप चाहेंगे कि अगर आप 2 महीने में सुपर टेट बस 2 महीने में पढ़ के निकाल लेंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। हालांकि 2 महीने में पढ़ के निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपका कुछ सब्जेक्ट तैयार होना चाहिए, कुछ सब्जेक्ट तैयार होने चाहिए जिसके वेटेज सुपर टेट एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा है, जैसे कि करंट अफेयर हो गया, मैथ हो गया। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर बिना मैथ पढ़े क्या सुपर टेट पे पास किया जा सकता है? तो हम कहते हैं कि हाँ, बिना मैथ पढ़े आप सुपर टेट पास कर सकते हैं, लेकिन आपका सलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैथ 20 नंबर का है। आप कितना भी CDP पढ़ लें, आप कितना भी CDP में महारत हासिल कर लें, लेकिन CDP आपको सलेक्शन नहीं दे जाएगा जब तक आप सुपर टेट के लिए मैथ आपका 20 नंबर, बिना मैथ पढ़े आपका सलेक्शन नहीं होगा। ठीक, उसके बाद से इंग्लिश, अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो इंग्लिश भी कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा और साइंस भी कमज़ोर होगा। तो मैथ इंग्लिश 10 नंबर, साइंस 10 नंबर, यानी कि ये 40 नंबर है। अगर आप इन सब्जेक्ट को हल्के में ले रहे हैं या इन सब्जेक्ट को आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सीधे 150 में से 40 नंबर घटा दीजिए, यानी 110 नंबर की आप तैयारी कर रहे हैं। और 110 नंबर की आप तैयारी लिख कर रहे हैं, तो क्या आपका 110 में 110 आ ही जाएगा? बहुत आएगा तो 100 नंबर आएगा, और 100 नंबर अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और 100 नंबर लाते हैं तो आपका सलेक्शन नहीं होगा। आप जनरल और OBC से हैं तो आपका सिलेक्शन 100 नंबर पे तो नहीं होगा, इतना जान लीजिए। क्योंकि इस बार पिछली बार कितना है कि 5 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे, ठीक है, इस बार कम से कम 15 से 20 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे। इसलिए आप लोग पढ़ाई भी करते रहिए और एक दूसरे का साथ भी जरूर दीजिए, ताकि आपको क्या मिले, आपको वैकेंसी इसी साल देखने को मिल जाए, जितनी जल्दी वैकेंसी। क्योंकि जब तक आप इन सब चीज़ों में भाग नहीं लेंगे, जब तक आप ट्विटर कैंपेन नहीं करेंगे, धरना प्रदर्शन में भाग नहीं लेंगे, सरकार को लगेगा कि बच्चों को ही नहीं चाहिए ना वैकेंसी। सरकार को ऐसा लग रहा है कि बच्चे ही डिमांड नहीं कर रहे हैं वैकेंसी की, तो हम आखिर वैकेंसी क्यों दें? हम बच्चों को बता सकते हैं कि हमारे पास छात्र शिक्षक का अनुपात बराबर है, हमारे पास हमारा कोर्ट में विवाद चल रहा है, जब तक उसका निर्णय नहीं आ जाएगा, हमारे पास छात्र शिक्षक का अनुपात बराबर है, तब तक हम वैकेंसी नहीं देंगे। लेकिन हम लोग इस डिपार्टमेंट में हैं, हम लोग को पता है कि कितनी वैकेंसी खाली है। हमारे बनारस की ही बात किया जाए तो बनारस में ही लगभग साढ़े तीन हज़ार वैकेंसी खाली है। कितनी है? तो 3,500 वैकेंसी आपकी खाली है, यानी कि 3,500+ वैकेंसी आपकी खाली है। कहाँ पे? तो सिर्फ और सिर्फ आपका मेरे बनारस में, ठीक है, मेरे स्कूल में ही दो सीट खाली है। अभी ट्रांसफ़र हो गया है तो एक मैम चली गई है, यानी कि 3 सीट खाली है। मेरे स्कूल की बात की जाए तो 3 सीट खाली है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि सुपर टेट की वैकेंसी जल्दी आए, और अगर आप चाहते हैं कि आपका सुपर टेट में 120+ नंबर आए, तो आपको तैयारी भी करना है और इन सब चीज़ों में एक साथ सपोर्ट भी करना है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए, मेरा काम है सिर्फ समझाना, आप समझे या ना समझे आपके, आपको चाहिए नौकरी, और नौकरी सिर्फ पढ़ाई से नहीं मिलता, नौकरी आपको इन सब चीज़ों में भी भाग लेने से मिलता है। क्योंकि UP में नौकरी पाना है ना, तो पहले फॉर्म भरिए, उसके बाद से एग्ज़ाम दीजिए, फिर उसके बाद से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खेलिए, उसके बाद से रिजल्ट आएगा, उसके बाद से काउंसलिंग आएगा, और इस तरीके से तब जाके आपको कहीं ज्वाइनिंग मिलेगा। और रिजल्ट से काउंसलिंग के बीच में कम से कम एक से डेढ़ साल आपका सरकार खा जाती है। जैसे हम लोग 18 महीने एग्ज़ाम दिए थे 6 जनवरी 2019 को, कितना को? तो 6 जनवरी 2019 को हम लोग का एग्ज़ाम हुआ, ठीक, और काउंसलिंग होते होते 2021 आ गया, 2021 लग गया, यानी 2021 में हम लोग की काउंसलिंग स्टार्ट हुई, यानी 18 महीने तक लगभग हम लोगों ने इंतज़ार किया, ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसा ना हो तो इसके लिए अभी से तैयारी करते रहिए, मस्त होके पढ़िए, बिंदास होके पढ़ते रहिए, और इन सब चीज़ों में एक्टिविटी में भाग लीजिए, ट्विटर कैंपेन में भाग लीजिए, धरना प्रदर्शन पे जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाइए, ताकि आपको वैकेंसी देखने को मिल सके, ठीक है। क्योंकि ये लड़ाई आपकी है, हम लोग ने अपनी लड़ाई लड़ लिया, अब आपकी बारी है। हम लोग सिर्फ एक वीडियो बना के आपको दे सकते हैं, ठीक है, और आपका सपोर्ट करेंगे जहाँ तक हो सकता है, और मैं करता भी हूँ, लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद से भी लड़ना है। जब तक आप अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ोगे, हम और दूसरा कोई आके आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा और अपनी तैयारी करते रहिए। प्लस कल इस कैंपेन में आपको ज़रूर भाग लेना है,
ट्विटर अकाउंट बनाइए यूपी वांट शिक्षा आयोग में 10 बजे से लेकर, इतना ट्वीट करिए ना कि ये ट्विटर कैंपेन एकदम नंबर वन ट्रेंडिंग में जाए पूरे देश में, सिर्फ यूपी में नहीं, पूरे देश में यूपी में ट्रेंडिंग में जाए, ताकि कोई सरकार को, सरकार की आंखें खुले और सरकार का कोई मंत्री, कोई शिक्षा मंत्री भी देखे, जैसे संदीप सिंह भी देखे कि भाई क्या चल रहा है यूपी में, कितनी बेरोजगारी है, इसका आपको असर एक बार दिखाना पड़ेगा कल। तो कल आप लोग इसमें भाग लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ताकि आपको और आपके परिवार को लाभ मिले, आपके माँ बाप का नाम रोशन हो और आप भी अब फख्र से सर ऊँचा करके इस बेरोजगारी के दंश से बाहर निकले। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।